इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 30 मई को घटित हुई थी गवर्नमेंट एग्जामी पी सी बैंकिंग एग्जाम्स एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स फॉलोड सम प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्कशन तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन ंग का जन्म हुआ था आज ही के दिन मेहदे नवाज जंग एक भारतीय नौकर शाह थे और निजाम शासन के दौरान कार्यकारी परिषद के यानी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सेक्रेटरी थे इनका जन्म हुआ था हैदराबाद के दारुल शिफा में इंटोर रिलीजियस फैमिली ये बात याद रखिएगा कि हैदराबाद म्यूनिपल कॉर्पोरेशन के पहले कमिश्नर थे उन्होंने हैदराबाद सीट से 1952 में जनरल इलेक्शंस लड़ा और बहुत बड़े बहुमत से चुनाव जीते 1952 से 1960 तक ये पूर्व हैदराबाद राज्य में और फिर आंध्र प्रदेश सरकार में मिनिस्टर थे

भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था साल उन्नीस को इनका निधन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर, जो हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो है 1995। 1995 में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला संस्करण जारी किया गया था The first version of Java programming language was released on the 23rd of May 1995. Java is a high-level, class-based, object-oriented programming language. Hai. It was designed to have as few implementation dependencies as possible. It is a general-purpose programming language. Hai. इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उद्देश्य यह था कि एप्लीकेशन डेवलपर्स प्रोग्राम को एक बार लिखने पर कहीं पे भी चला सके इट इंटेंडेड टू लेट एप्लीकेशन डेवलपर्स राइट वंस एंड एनी वेयर मतलब कंपाइल जावा कोड कैन रन ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स दैट सपोर्ट जावा विदाउट द नीड फॉर रिकम्पाइलेशन जेम्स गोसलिंग ने सन माइक्रोसिस्टम्स में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहली बार डेवलप किया था This programming language was developed by James Gosling. While Java was originally developed at Sun Microsystems, Oracle later acquired Sun Microsystems and therefore the developer of this programming language is Oracle. इसका उपयोग होता है मोबाइल एप्लीकेशंस में, बिग डेटा प्रोसेसिंग में, एम्बेडेड सिस्टम्स में एंड आल्सो टू डेवलप डेस्कटॉप। अब दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात की जाए तो C programming language was developed by Dennis Ritchie and Bjarni Stroustrup a Danish computer scientist is most notable for creation and development of C++ programming language now let us move on to the next topic of discussion for today that is 2006 Alaskan stratovolcano Mount Cleveland erupts अलास्का स्ट्रैटो ज्वालामुखी माउंट क्लीवलैंड में विस्फोट हुआ था आज ही के दिन यानी कि 23 मई 2006 में माउंट क्लीवलैंड इज लोकेटेड इन अलास्का इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इट इज अ नियरली सिमेट्रिकल स्ट्रैटो नियरलीनो सो व्हाट आर स्ट्रैटो स्ट्रेटो स्ट्रैटो वॉल्किनो एक ऊंचा स्टीप और कोन शेप ज्वालामुखी का प्रकार है अनलाइक फ्लैट शील्ड वॉल्किनो जो ज्वालामुखी का और एक प्रकार है

1894 में यूएस कोस्ट एंड जियोडेटिक सर्वे की एक टीम ने इस ज्वालामुखी को नाम दिया था इट इज आफ्टर द देन प्रेसिडेंट ग्रोवर क्लीवलैंड यह विमान के लिए खतरनाक है मेनी ऑफ द फ्लाइट ओवर द नॉर्थ पैसिफिक अप्रोच दिटी ऑफ द वॉलो एंड वॉल्निक एश रिलीज फ्रॉम इन कैन डैमेज सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड सेंसर्स

श्रीहरिकोटा से भारत की पहली स्वदेशी पुनः प्रयोजित अंतरिक्ष शटल लॉन्च किया गया था आर एलवे टी डी रियुजेबल लॉन्च वहीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर इज इंडिया फर्स्ट अनक्रूड फ्लाइंग टेस्ट बेड डेवलप्ड फॉर इसरो रियूजल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम इसका पहला एटमोस्फेरिक टेस्ट फ्लाइट संपन्न हुआ था तेईस मई दो हजार सोलह में सेकेंड एंड रीच्ड अ मैक्सिमम एल्टीट्यूड ऑफ सिक्स किलोमीटर्स सिक्स पॉइंट फाइव मीटर लंबी एरोप्लेन जैसी इसकी स्ट्रक्चर है और इसका वजन है वन पॉइंट सेवन फाइव This reusable launch vehicle technology demonstrator was hoisted into the atmosphere on a special rocket booster. This was carried up on a solid rocket motor and was launched from Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota in Andhra Pradesh. This RLV-TD ultimately aimed at putting satellites into orbit around the earth and then re-entering into the atmosphere. This is described as a very preliminary step in the development of reusable rocket, whose final version is expected to take place in 10 or 15 years. इसका final version तैयार होने के लिए approximately 10 से 15 साल लगेंगे. ये भारत द्वारा अंतरिक्ष में infrastructure को बनाने की cost को कम करने का प्रयास है. This was the first time ISRO launched a winged flight vehicle.

यानी कि विश्व कछुआ दिवस हर साल तेईस मई को वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में मनाया जाता है इसको अमेरिकन रेस्क्यू, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा आयोजित किया जाता है ये टर्टल्स और टोटोसिस के संरक्षण पर ध्यान बढ़ाने के लिए मनाया जाने वाला दिवस है टोटोसिस आर एक्सक्लूसिवली लैंड ड्वेलिंग दैट इज दे लिव ऑन लैंड

टू बैलेंस मरीन फूड वेब्स एंड फेसिलिटेड न्यूट्रिय साइक्लिंग फ्रॉम वाटर टू लैंड इस प्रकार कछुओं के संरक्षण से जैव विविधता के संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी

ये सारे क्वेश्चंस आज ही के दिस डे इन हिस्ट्री डिस्कशन पर आधारित है अगर आपने ये डिस्कशन ध्यान से सुना है तो इन प्रश्नों के जवाब देना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा सारे क्वेश्चंस के सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर वन डिस्कस करते हैं वच ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट दिए गए बयानों में से कौन सा सही है नंबर वन टर्टल्स आर कोल्ड ब्लड स्पीशीज

इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना होगा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम वेयर फर्स्ट स्पेस शटल भारत का पहला स्वदेशी पुनर्प्रयोजित अंतरिक्ष शटल से लॉन्च किया गया था ऑप्शन ए विक्रम सारा स्पेस सेंटर ऑप्शन बी सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑप्शन सी डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड या ऑप्शन डी नन ऑफ अबव प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर थ्री उंट क्लीवलैंड स्ट्रेटो वालो इज लोकेटेड इन विच कंट्री माउंट क्लीवलैंड स्ट्रेटो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है ऑप्शन ए रशिया यानी कि रूस ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑप्शन सी इटली या ऑप्शन डी फिलीपींस प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर फोर हु वाज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ गुजरात गुजरात का पहला राज्यपाल कौन था ऑप्शन ए मेहदी नवाज जंग ऑप्शन बी श्रीमन नारायण ऑप्शन सी शारदा मुखर्जी या ऑप्शन डी कृष्णपाल पाल सिंह प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर फाइव जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग भाषा किसने विकासित की ऑप्शन ए लैरी पेज ऑप्शन बी स्ट्रोस्ट्रूप ऑप्शन सी डेनिस रिची या ऑप्शन डी जेम्स कोसलिंग विद दिस क्वेश्चन डिस्कशन मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिला हो इफ यू डू लाइक दिस सेशन इस वीडियो को लाइक करे और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करे कल फिर से मुलाकात होगी विद मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रेपरेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग